देखो बेस बेस का दिया है कि उसका बेस किस पे है जाने जस सोच के आई मैं वो नहीं जो बनेगा जस्ट फ्रेंड्स जाने जस सोच के आई मैं तो हूँ वो जो बनेगा तेरा मैं हूँ रिएक्शन जानना चाहूंगा कि कैसा लगा आपको ये गाना और पहले आप सबका शुक्रिया कि रात के 10 बजे आप सब आए यहाँ पे और हमारे साथ सुबह भी बनाएंगे शायद टिल 12। बहुत अच्छा लगा रॉनी को जब मैं मिली फर्स्ट टाइम, इनका एंथुसियाज्म फॉर म्यूजिक वाज फैंटास्टिक। एज अ डायरेक्टर जब भी किसी आर्टिस्ट को देखते हैं बुक होनी चाहिए ना, शहर में सब बुक के साथ आते हैं, बुक पैशन रहेगा तो यू नो हम यहाँ सर्वाइव कर पाते हैं। वो एक ही चीज़ है क्योंकि हर बंदा स्ट्रगल करता है, रॉनी के अंदर वो जज्बा भी है, वो पैशन भी है और वो यू नो द स्पिरिट है लाइफ में, यू नो आई थिंक म्यूजिक के लिए जो मुझे बोलते हैं कि हर हफ्ते लिख सकते हैं गाना, तो आई थिंक उनके सॉन्ग में भी वो यू नो एक कुछ एक अलग स्पार्क दिखता है। एंड आई होप आप सबने इन्जॉय किया, मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। रॉनी भाई इतने साल आप रुके कहाँ पे, क्या मतलब बहुत सारे मतलब कुछ थे ऐसे कुछ प्लान थे, मतलब पहले बहुत सारे कुछ थे फैमिलीज के बंधन जो मतलब लाइक बिजनेस को लगा के काम को लगा के कुछ मैं सेट करना चाहता था क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं यहाँ आऊँगा तो मैं कुछ पैकेज लेके आऊँ साथ में, इसलिए मैं 3 साल से मैं लिख रहा हूँ और अभी कुछ मैं तैयार हुआ हूँ, मुझे तो अभी होप सो बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें आएगी साथ में। भाई क्या कहना चाहेंगे, कितना मोटिवेशनल मिल रहा है कि लक्ष्मी मैम यहाँ पर सपोर्ट करने आई है आपको, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें। अरे मेरे तो मतलब लाइक मैं आया और इन लोगों से बात हुई तो मेरा तो पूरा पॉजिटिव हो गया, लाइक दे आर जस्ट सो इजी एंड उन्होंने जो बोला जैसे बोला वैसे सब चीज़ें होती रही, सच अ ईजी वे, इट्स अमेजिंग। लाइक सोनू सर सर और लक्ष्मी मैम प्रदीप भाई अमेजिंग, मतलब मेरा सब काम आसान कर दिया बोले तो मुझे लगता है कि अभी सर जो भी मुझे फ्यूचर में करना है जो मैं कंसंट्रेट कर पाऊंगा ज़्यादा म्यूज़िक बनाने में, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होता है कुछ चीज़ों को, मतलब जैसे आप जो ये कर रहे हो मतलब सर सब ना, तो मेरे लिए ये सब बहुत डिफिकल्ट होगा, तो मेरा काम होगा कि मैं अगर अच्छे गाने बना सकूँ। और एक बात ऐड करना चाहूँगी, जिस तरह हम स्टार्ट करते हैं लाइफ में हम यू नो मैं असिस्टेंट से शुरू हुआ था बिहाइंड कैमरा, पहले फ्रंट ऑफ कैमरा करती थी फिर बिहाइंड कैमरा असिस्टेंट शुरू किया डायरेक्टर बने, सबसे ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है पब्लिक का, आप लोगों का, मीडिया का, तो एक नए आर्टिस्ट को आप लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए बिकॉज यू नो आप ही लोग हैं जो बनाते हैं और अच्छे आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं, तो आई रियली होप कि आप लोगों को गाना अच्छा लगे और प्लीज रॉनी को सपोर्ट कीजिए, बहुत एंथुसियाज्म है, आई लुक फॉरवर्ड कि मतलब कल मैं बहुत सारी चीजें देखूं रॉनी के बारे में, दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। रॉनी जी मेरा सवाल एक आपसे है, इस दोनों गाने की जर्नी किस तरह से शुरू हुई, इसके बाद और क्या क्या देखने को मिलेगा? ओके प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट तो अगर मैं इस दोनों गाना से बात करूँ तो शर्मिला बस कोई था कोई शर्मिला नाम का जिससे मुझे एक एक्सपीरियंस मिला कि ये शर्मिला नाम का मुझे गाना लिखना था, और डांस फॉर मी एटीट्यूड जस्ट आई फील लाइक कि मतलब लाइक एक होता है आई डोंट वांट गिव इट बैक कि क्या सोच के आए तो आई एम नॉट जस्ट अ फ्रेंड आई एम गोना बी योर मैन यू नो काइंड ऑफ इस एटीट्यूड से चालू किया मैंने, और मुझे लगता है कि इंस्पिरेशन बहुत मिला, मैं इंटरनेशनल बहुत ट्रैवल करता हूँ इससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, काफ़ी सारे कल्चर का और जो बहुत ऐड होता है, और आगे वाले फ्यूचर में डेफिनेटली बहुत अच्छे गाने वाले, ऐसे नहीं कि सिर्फ डांस फ्लोर के ही गाने, देर इज़ अ रोमांटिक सॉन्ग, देर इज़ अ हार्ट ब्रेक सॉन्ग, देर इज़ अ प्रपोजल सॉन्ग, यू नो आई डोंट मैं अभी कैसे एक्सप्लेन करूँ, जब आएंगे डेफिनेटली होप्स ही। आपकी लुक्स अच्छी है, पर्सनैलिटी अच्छी है, कि अगर मौका मिलता है आपको फिल्मों में काम करने के लिए तो क्या उसमें भी आप आजमाना चाहेंगे? मैंने ऐसा नहीं सोचा, बट आई लव म्यूजिक, मुझे लगता है कि फिल्में बड़ी डिफिकल्ट होगी, बट आई लव म्यूजिक, आई लव जस्ट वांट टू बी इन म्यूजिक म्यूजिक। आपने ऑलरेडी कुछ बनाया हुआ है, अभी इसके बाद भी कुछ ऑलरेडी है रेडी और यू आर? अभी मेरे पास और 2 गाने रेडी है, लेकिन हम लोग एक बहुत अच्छे गाने का शूट प्रिपेयर कर रहे हैं, it's beautiful beautiful song, I hope so you're gonna love better than this one। सोनू सर आपके कोलैबोरेशन के बारे में बताइए, किस तरह का कोलैबोरेशन? हमारे रॉनी भाई की कोलैबोरेशन बहुत लॉन्ग टर्म चलेगा,
और जब इनको मैं पहली बार मिला, इनकी गाना भी देखा, तो इट्स वेरी डिफरेंट जो आजकल की जो मतलब जैज़ी और जो यूथ जो पसंद करते हैं, और आगे वाला भी जो गाना उन लोगों ने लिख के भी रखा बहुत अलग टाइप की है। तो अभी रिसेंटली आई थिंक सो बात चल रही है, माइट बी इन 15 डेज हम लोग दूसरी गाना भी शूट करेंगे। मुझे तो था कि नहीं अच्छा लगेगा शायद, क्योंकि बहुत कैची है सर, बहुत जैसे ये तो अफ्रीका में शूट हुआ, बहुत मेरे दोस्तों के साथ मिल के मतलब यू नो लाइक और कुछ प्रोफेशनल के स्कूल मिला के मतलब ये शूटिंग वगैरह किया गया और एक ही दिन में सब खत्म किया गया था। तो मुझे नहीं पता था कि शायद पसंद करेंगे आप लोग, लेकिन थोड़ा डर रहा था यार क्या होगा। या तो मतलब लाइक वही ट्राई किया हमने कि भी थोड़ा हो, और काफ़ी मेरे दोस्तों ने वहाँ के मेरे, मैं एक्चुअली जिस कंट्री में रहता हूँ उस देश के लोगों को अपना दोस्त बनाता हूँ, और मुझे बहुत सीखने को मिलता है, और वो रियली इतने अच्छे दोस्त बनते हैं कि मुझे बहुत देते हैं, लाइक जस्ट गिव मी टू मच टाइम एंड ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। रॉनी सर, आज आपका बर्थडे भी है, बर्थडे के मौके पर गाने की लाइन हो जाए। अभी जो हमने गाना शूट करने वाले उसके गाने का नाम रखा है बिलीव इन मी, तो मैं रॉनी भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि तो सब कुछ बोले। ये गाना है कि मैं थोड़ा सोच, ये गाना है कि एक पति पत्नी है जो 3-4 साल से उनकी शादी हो चुकी है, और पति का एक वो सॉफ्टवेयर कुछ सॉफ्टवेयर बना रहा है और वो काम नहीं हो रहा, उसको जॉब नहीं मिल रहा, उसका काम नहीं बिक रहा है, देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन हाउस, के पैसा नहीं है ये वो, लेकिन उसकी पत्नी बहुत उसको स्ट्रांगली हेल्प करती है, सब मुश्किलों से आसपास से पैसे मांग के भी मतलब अपना काम चलाती है, लेकिन उसको हेल्प करती है कि यू शुड गो, तुम ये इसको छोड़ो ना, तुम सक्सेस होंगे एक दिन। तो वो पति देखता है और उस टाइम को ये लाइनें उनके गाने में निकलती है। मुश्किल में उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, दिया था साथ यूं ही मेरा, उम्मीदें मेरी थी बड़ी पर जेबें खाली थी पड़ी, रातों को लेट था मैं सोया, नींद वो भी ले पाई, तकलीफें मेरी थी खड़ी पर मेरे साथ थी वो लड़ी, वादा तुमसे मेरा सब बदल दूंगा, तेरी जिंदगी में रंग भर दूंगा, बिलीव इन मी, बिलीव इन मी, यकी है ना प्यारी बेबी तू मेरी, न सोचूं दे दूं जा पूरी, प्यारी बेबी तू मेरी। रोनी सर, बहुत ही अच्छा गाना लगा आपका, आपको किस जॉनर के गाने पसंद है और आपका पसंदीदा सिंगर कौन है सर? अगर जॉनर के, मुझे खुद को मैं पूछता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं किस जॉनर में बंद नहीं पाया खुद को। मैं पॉप लिखता हूँ, मैं थोड़ा बहुत रैप भी लिख लेता हूँ, मैं सैड सॉन्ग, बॉलीवुड काइंड ऑफ ड्रिल म्यूजिक, सोल म्यूजिक, काफ़ी सारे जॉनर, मैं बना नहीं पाया कि मैं किसी के पॉप जॉनर में लिखूँ या फिर ऐसा कुछ। और मेरे फेवरेट सिंगर तो अगर बहुत पुराने चले जाए तो मुझे अल्लाह किशोर, मेरा भाई बहुत सुनता था किशोर कुमार के सॉन्ग, तो मुझे बहुत इंस्पायर हुआ, वहाँ से मैंने गाना सीखा। उसके बाद मोहम्मद रफ़ी को भी काफ़ी सुना, फिर के ने बहुत बड़ा टर्न किया, उसकी जो स्टाइल एकदम मॉडर्न टाइप से गाने की स्टाइल है, फिर सोनू निगम है, अभी अरिजीत सिंह है, फिर हनी सिंह ने बहुत अद्भुत किया, बादशाह है, अमेजिंग, बहुत इंस्पिरेशन। लेकिन आप जिस तरह से गाने पे काम कर रहे हो उसको देखकर लगता नहीं कहीं से आप प्रेरणा लेते, क्योंकि आपका जॉनर कुछ अलग ही लग रहा है, मुझे लगा कि शायद बाबा साइकिल बोलेंगे आप। एक्चुअली बाबा साइकिल ही तो था जो पहले स्कूल में मैं गाता था, एक्चुअली बाबा साइकिल, बहुत अच्छा सर आपने, बहुत वाह क्या पकड़ा आपने, एक्चुअली बाबा साइकिल ही था जो मेरे स्कूल में मुझे हमेशा मेरे टीचर खड़ा करा के वो ठंडा ठंडा पानी वाला गाना गवा देते। ऑफकोर्स ही वाज पहला था जिसने मतलब एक नई स्टाइल प्रेजेंट की थी, वाज अमेजिंग। थैंक यू सर। उनका कोई गाने की लाइन अगर आप गुनगुनाना चाहें बाबा साइकिल की, हनी सिंह, याद नहीं, मैं ट्राई करता हूँ। हनी सिंह, मैं फर्स्ट टाइम होटल पहली बार गया, मैंने देखा पानी से भरा, स्विमिंग पूल आया, जरा तोला बैठी, ये मुझे कुछ ठंडा ठंडा पानी, एक ये था। और हनी सिंह के तो काफी सारे गाने, एक अच्छा वाला कौन सा वाला अच्छा उड़िए नी तेरे ब्राउन वंग ने मुंडे पट्टे दे नी सारे मेरे टाउन दे मेरे टाउन दे मेरे टाउन दे
मेरे टाउन द मेरे टाउन द मोरे कुल अगर आप लोग कुछ शेयर करना चाहे एक-एक करके ये जो आज एल्बम लॉन्च हुआ है ना इसके बारे में आप लोग सब मिलके अपने में रिएक्शन दीजिए इसको किस तरह से एल्बम पसंद आया और क्या कहेंगे आप आपका एसोसिएशन किस तरह से रहा इन लोगों के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब आया थैंक यू सो मच और रोनी जी पे एक बेस्ट पार्ट ये है कि एक आर्टिस्ट को सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत बड़ी बात है जो इनमें खुद का एक कूट कूट के भरा है और बेस्ट पार्ट ये है कि आप बहुत सारे गाने सुनते हैं आज के टाइम पे काफी सारे गाने आ रहे हैं और रोनी जी के अंदर एक गाने को काफी सारे वेरिएशन देते हैं जैसे हिप हॉप हो गया रैप हो गया रोमांटिक सॉन्ग हो गया आपने देखा होगा जैसे तो तीनों मिक्सचर हो रहा है इनके गाने में ये बहुत अच्छी बात है और काफी अच्छा इन्होंने इंटरनेशनल शूट भी किया है और आई विश कि आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे और जैसा कि अभी मैम ने बोला है कि आप सबके सपोर्ट के बिना एक आर्टिस्ट आगे बढ़ता है जो अच्छा आर्टिस्ट होता है तो आप सब आज यहाँ पे हैं तो थैंक यू सो मच मैं तो यही कहूंगा जो आज मुझे यहाँ बुलाया गया है शेखर जी सोनू जी प्रदीप जी और आपके साथ मेरा पहला परिचय हुआ मेरा एक गाना शूट चल रहा था तो उन्होंने आए थे मेरे तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इनको और मैं भी एक म्यूजिक डायरेक्टर हूँ तो बीइंग ए म्यूजिक डायरेक्टर मैं मेरे अंदर तो वो चीज़ नहीं है जो मैं लिख के गाना कंपोज करूँ मेरे लिए शायर की ज़रूरत पड़ती है बट रोनी जी के अंदर वो चीज़ है जो वो खुद लिखते हैं और खुद कंपोज करते हैं ये बहुत बहुत ही मतलब आपको मैं कर बॉलीवुड के लिए तो बहुत बड़ा चीज़ है क्योंकि अरिजीत भी नहीं कर पाते थे को किशोरदा भी नहीं कर पाते थे जो इनका फेवरेट सिंगर्स है तो ये इनके अंदर ये गुण भगवान ने दिया है तो मैं चाहूँगा जो और तरक्की करे और सब लोग आप लोग पसंद करें इनका गाना और मुझे तो बहुत पसंद है इसीलिए मैंने 10 मिनट के लिए भी आ गया मैंने शेखर जी ने बोला जाना ही है दादा तो इनको मैं इन्वाइट किया था इन्होंने आए थे तो मेरा गाना सुन के गया जो शूट चल रहा था फिल्म का गाना तो इन्होंने पसंद किया और मेरे को बधाई दिया तो मैं आया इनको बधाई देने के लिए सब लोग आप लोग तालियां दीजिए धन्यवाद हेलो हाय रोनी के साथ मेरी ये तीसरी मुलाकात है इसके आगे के गाने में आई थिंक मैं इन्वॉल्व होने जा रहा हूँ डायरेक्टर के साथ सोनू मेरा छोटा भाई है बीइंग ए सिनेमाटोग्राफर आई लव द सॉन्ग एंगल वाज सुपर्ब साउथ अफ्रीका में शूट हुआ आई मिस द अपॉर्चुनिटी टू शॉट विथ हिम सो नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली शूट विथ हिम अ वेरी गुड एल्बम एंड कांग्रेचुलेशंस रॉनी फॉर अ न्यू वेंचर एंड योर फर्स्ट स्टेप इन बॉलीवुड इज एक्सीलेंट एंड थैंक यू ऑल इंडिया हु इज सपोर्टिंग अस एंड काइंडली सपोर्ट दिस गाय वेरी मच सो दैट ही कैन बिकम अ गुड नेम इन द वर्ल्ड ऑफ सिंगर्स थैंक यू सो एडिंग टू एवरीथिंग एज पीपल सेड दैट यू नो वो कंपोज करते हैं लिखते हैं यू नो गाते हैं वो परफॉर्म भी करते हैं आई थिंक बहुत कम आर्टिस्ट है जो परफॉर्म भी इतना अच्छा कर सकते हैं ही परफॉर्म रियली वेल आई थिंक वो ओवर भी नहीं है कुछ अलग मुझे लगता है कुछ अलग एक तड़का है उनके गाने में एंड थैंक यू सो मच वी आर गोइंग टू कम अप विद सम न्यू इंटरेस्टिंग सॉन्ग्स कुछ झलक आपने सुन ली थी और इसका आइडिया भी अभी चल रहा है तो कॉन्सेप्ट भी और अच्छा रहेगा और आई थिंक इससे बेटर बनाने का हम विल ट्राई टू कम अप विद समथिंग मोर इंटरेस्टिंग थैंक यू जीतू एक फोटो कर लो सब आई एम अ पॉप म्यूजिक आर्टिस्ट आई एम अ कंपोजर Singer, writer. Thank you. Sir, myself Santosh Kumar Acharya. I am a founder and chairman of Indus. We are managing his work in India. Sir, क्या है ये music video है, album है, solo गाना है, क्या है? सबसे पहले तो वो जानना चाहेंगे कि ये अभी मैं दो गाने release कर रहा हूँ. दो गाने release कर रहा हूँ जो one है शर्मिला और second is a dance for me. And they are both like one is a little slowly dance floor music and one is a more afro dance floor music. It's really hardcore. Okay. But how this happened? कैसे इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे सर कुछ कुछ glimpses और कहाँ पे शूट हुआ क्या उसके पीछे जो प्लानिंग रही उसके बारे में Well, शूट तो ये अब्रॉड ही हुआ है तो इसके बारे में तो क्या मतलब अननोन पीपल है सर के साथ जो शूट हुआ है तो ये तो मेरी फर्स्ट मेरी ट्रायल है जो मैं कर रहा हूँ अभी तो धीरे धीरे और भी मेरे काफ़ी सारे गाने आएंगे और मैं चाह रहा हूँ कि हर महीने एटलीस्ट एक या दो गाने हम लोग रिलीज कर सकें ऐसी हमारी कोशिश रहेगी सिर्फ
वर्ल्ड वाइड मुझे लगता है कि ये म्यूजिक तो अगर कोई लैंग्वेज नहीं समझता हिंदी फिर भी उसको मूवमेंट करने का मन करेगा, उसको नाचने का मन करेगा, तो मुझे लगता है कि ये तो पूरा वर्ल्ड के लिए ही जा सकता है। Definitely starting with the India and then let's see what happens. Sir, आप क्या कहना चाहेंगे? Your association with this video song with Ronnie Bhai is very close to us. He's a good friend of us. इनकी जो गाना है ना थोड़ा अलग टाइप का है जब देखोगे तो, but basically he's a pop indie singer. और यू नो कंपोजर भी है, और उनकी गाना जो है ना अभी तो पहले तो एब्रॉड में शूट किए, बिकॉज अभी पहले थोड़ा मतलब एब्रॉड की जो आर्टिस्ट है थोड़ा तो वहाँ के उसके हिसाब से थीम के हिसाब से शूट किया, अभी इनकी प्लानिंग चल रही है हर महीने एक गाना शूट करना है, और ही वुड लाइक टू गिव समथिंग डिफरेंट टू द बॉलीवुड जो कि अभी तक हुआ है, तो उनका वही अब जो देखोगे तो इनकी फ्लेवर थोड़ा अलग है, गाने की रिदम भी थोड़ा अलग है, कंपोज भी खुद करते हैं, तो ही इज अ मल्टी टैलेंटेड इफ यू सी एंड ऑफ द डे। सर मैं तो भी क्या कहूँ, मुझे लगता है कि सब म्यूजिक सुनेंगे तभी लोग समझ पाएंगे कि मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ। I hope so, they will have it. सर मुझे लगता है कि ये सीखा नहीं जा सकता, मैं मुझे लगता है कि बचपन से ही जब मैं स्कूल में था तब से मैं म्यूजिक में बहुत ज़्यादा था और काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन में मैंने पार्ट्स लिया, तो इस तरह से मेरी जर्नी आती रही और लाइफ में ऐसी ऐसी कुछ घटनाएं हुई जिसमें और भी म्यूजिक मेरी लाइफ में आता रहा, फिर मैं ट्राई किया कि मैं खुद लिखूं और मैं और सर अमेजिंग मैं बहुत आसानी से गाने लिख सकता हूं, और ये बढ़ता रहा चलता रहा चलता इन्फ्लुएंस होता रहा मैं लोगों से और इस तरह से यहां तक पहुंचा। मुझे लगता है कि मैं स्पेशली इंडिया की कल्चर और उसकी सेंटिमेंट जो होता है उससे मैं बहुत प्रभावित था पहले से, क्योंकि मेरी एजुकेशन यहाँ पे हुआ, मेरी पढ़ाई मेरी स्कूलिंग यहाँ पे, उसके बाद मैं दुनिया में काफ़ी सारे कंट्री में रहा और मैं काफ़ी सारे कल्चर के बीच में रहा, मैं जब बहरीन गया तो मैं सिर्फ इंडियन के साथ मैं पूरे मतलब हमेशा अलग कल्चर से रहता था उनके साथ, तो उनका म्यूजिक का टच उनका फीलिंग मुझे बहुत टच किया, उनका वे ऑफ थिंकिंग समथिंग और कुछ कहना एक वर्ड्स के अंदर वो मुझे बहुत टच किया, और इस तरह से मैंने अपना एक इंडिया और फॉरेन का मिक्स करके जॉनर का करके ट्राई किया। बिल्कुल सर, गोना बी डिफरेंट एंड गुड आई बिलीव सर, बट यू आर वेरी डिफरेंट, आप सिंगर भी कंपोजर भी लेटर से स्टाफ भी हो, आप जो चीज कर रहे हैं आप एज एन आर्टिस्ट, ये आसान होता है कि सच में मतलब यू नो आर्टिस्ट वर्क वेरी हार्ड बॉस, लेकिन सब चीजें एक साथ करना बहुत डिफिकल्ट, आई थिंक इट इज काफ़ी सारी चीज़ें होती है तुम्हें हर चीज़ में एक एक, क्योंकि तुम जब एक गाना लिखते हो तो पहले एक स्टोरी बनाते हो उस पर गाना लिखते हो उस पर म्यूजिक का सोचते हो उसको कंपोज करते हो उसका लिरिक्स एक एक परफेक्ट करते हो उसको तुम गाते हो, ये थोड़ा आसान भी हो जाता है कई बार, अगर मैं आपने बोलूँ कि भी मैं क्योंकि तीनों चीज़ करता हूँ इसलिए मेरे लिए एक गाना लिखना उसका म्यूजिक सोचना और इंस्पायर होना बहुत ईजीली हो जाता है, लेकिन अगर कोई एक सिर्फ कोई गाना ही लिखता है फिर वो म्यूजिक भी करता है मुझे तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन मुझे मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं ये तीनों की वजह से ही ज्यादा गाने गा पाऊंगा। ओके सर, आपका क्या व्यू रहा यू नो व्हेन ये कोलैबोरेशन होने वाला था वीडियो सॉन्ग जो आपने देखा सुना समथिंग लाइक दिस वाज सपोज टू हैपन, व्हाट आर योर थॉट्स एंड व्हाट डिड यू, बिकॉज़ आई हैव बीन द इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 20 इयर्स एंड बहुत सारे आर्टिस्ट और सिंगर से काम किया, इनकी जो देखा जो सोच और जो न्यू जनरेशन अभी यू नो दैट हाउ द ओल्ड जनरेशन न्यू जनरेशन इनकी जो थॉट प्रोसेस ना न्यू जनरेशन के ऊपर, वो गाना भी ऐसे बनाते सीधा ऑल यंग एंड वेरी एनर्जेटिक वेरी बेबी डिफरेंट, जो बाकी सिंगर से इनके गाना बहुत डिफरेंट है, अक्सर जो यूट्यूब की चलो लेट्स एसोसिएट इन टू बिगर थिंग्स यू नो, सो दैट्स यू गॉट एसोसिएटेड एंड ऑल यू आर प्लानिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, यू वांटेड टू शूट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया डिफरेंट पार्ट ऑफ कल्चर के साथ ये करने का, तो दैट इज द थिंग्स तो यू एसोसिएट यू वांटेड टू गो फॉर ए लॉन्गर वे एंड यू वांट टू शूट इन अक्रॉस द इंडिया एवरी 30 स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट वर्जिन लोकेशन लेके हमको शूट करना है, तो हर महीने हमने अभी प्लान किया जी हम एक एक गाना करेंगे, और यू ऑलरेडी टॉकिंग टू कपल ऑफ आर्टिस्ट, यहाँ पे भी एक आर्टिस्ट है अवितेश द्विवेदी बोल के, तो उसके साथ बहुत लोगों के साथ बात कर रहे हैं अभी, अभी 10-15 दिन में और एक गाना हम लोग शूट करने वाले हैं, तो यह प्लानिंग हो सकता है। हमारा इनका खुद का चैनल है, फिर हमने अभी कुछ चैनल के साथ बात कर रहे हैं,
जिनके साथ हमारा टाई अप होगा। तो अभी तो ये फर्स्ट जर्नी स्टार्ट हुआ, आगे तो बहुत सारी चीज होने वाली है। डांस फॉर मी के मैं दो लाने समय तो एक एटीट्यूड वाला गाना कि मतलब एक लड़की आपको फ्रेंड जोन करना चाहती है और किस तरह से आप उसको बोलो। जाने क्या तू सोच के आई, मैं वो नहीं जो बनेगा जस्ट फ्रेंड्स। जाने क्या तू सोच के आई, मैं तो हूँ वो जो बनेगा तेरा मैन। शेप तेरा है बाय मैजिक, मुझे खींचेगा तेरी ओर दैट्स लॉजिक। बातें तू करे बड़ी रोमांटिक, पर पास आते ही हो जाते होश गुम। फिर आंखें तेरी क्यों इशारा करे, उम्मीदों को मेरी निशाना करे। तो डर है क्या जो है साथ तेरा और इरादा मेरा। Then show me you slowly, slowly move. Oh baby, 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 slowly dance for me. Just dance for me, just dance for me. Oh baby, baby, baby. और सेकंड गाना है जिसका नाम है शर्मिला, वो एक पूरा डांस फ्लोर का मतलब क्लब का गाना है। उसका मैं एक पैराग्राफ सुनाता हूँ। ये तेरी पतली गमरिया ऐसे मटकती है जैसे ए, ए, काली रात में कोई बिजली कड़कती हो जैसे ए, ए, ये तेरा स्वैग है लगी जैसे चढ़ता हो शॉर्ट टकीला। हर नखरा तेरा आज लगता है मुझको नशीला। हले हले जरा धीरे शर्मिली शर्मिली ना, जरा मुड़ के तू देख यहाँ। डांस फ्लोर पे आग लगा, बढ़ा मेरा टेम्परेचर। दे दूंगा तुझे जान भी हाँ, करीब से मांग जरा। शर्मिली शर्मिली ना, मेरी शर्मिली शर्मिली ना। थैंक यू। और ऐसे हम लोग बार बार मिले तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार एक आर्टिस्ट को एक आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट होती है, तो काफ़ी डिफरेंट है इनका। मतलब काफ़ी सारे सिंगर्स है, कंपोजर्स हैं जो रैप करते हैं। इनका थोड़ा रैप भी है, थोड़ा इंटरनेशनल वाइब भी है। इन्होंने जो शूट किया है आपने शायद देखा, अंदर आप बता रहे थे, तो काफ़ी इंटरनेशनल शूट किया है। जैसे पिछले टाइम से मैं भी काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में, थोड़ा डिफरेंट है। और हमेशा जब नया इंसान इंडस्ट्री में आए तो हमेशा आप सपोर्ट करो ताकि वो तभी आगे बढ़ेगा। तो हम जैसे लोग ही सपोर्ट करते हैं उसको। एंड अभी हम एक साथ में अच्छा गाना करने वाले हैं जो स्टार्ट हो गया है, देन जल्दी उसका पोस्टर आएगा और कुछ अच्छा होगा, एक अच्छे अच्छे जगह पे लॉन्च होगा। एक ये छोटा हमने स्टार्ट किया है, एक प्रोफेशन और एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है ताकि एक प्रोडक्शन और स्टार्ट हो। एंड जल्दी बहुत अच्छा गाना आएगा एंड बहुत अच्छा शूट हो रहा है हमारा, तो आप सबको देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।